कुजो काइकान फुल कॉन्टेक्ट कराटे के तत्वाधान में वैशाली का सांस्कृतिक भवन विंटर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग जिले के कराटे क्लब ने हिस्सा लिया। इस विंटर कैंप की खासियत यह रही कि प्रतिभागियों ने पूरा दिन विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त होने के बाद शाम को स्वयं अपने हाथों भोजन बनाकर एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खाया। काराकुजो बुकाईकान फुल कॉन्टेक्ट कराटे क्लब लगातार प्रयास करता है कि कराटे खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी कुछ अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपना मनोरंजन कर सके। इस उद्देश्य को लेकर भिलाई में एक विंटर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई डोजों ने हिस्सा लिया। इस कैंप में सभी उम्र के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया और खूब आनंद भी उठाया। इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी ने इन खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा उत्साहित किया, क्योंकि अंतिम कड़ी में खिलाड़ियों के सभी ग्रुप में अलग अलग अपने हाथों से भोजन तैयार किया और उसके बाद अपने सीनियर्स को अपने हाथों से बने भोजन का स्वाद चखाया। तत्पश्चात सभी खिलाड़ियों ने एक साथ बैठकर अपने द्वारा बनाए गए भोजन को साझा करते हुए भोजन का स्वाद चखा। इस कैंप में शामिल सभी क्लबों के खिलाड़ियों ने इस कैंप को सबसे बेहतर बताया और ऐसे कैंप और भी आयोजित होते रहने की मंशा जताई। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुबह से मस्ती मजाक हुए जा रहा है और हम खाना भी बड़े लगन से बना रहे हैं सब मिलके, और सब मिलके खाने ही वाले हैं, बस सब चालू होने वाला है। सब अच्छा चल रहा है, मज़ेदार। ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है क्योंकि खुद से बनाना हमने तो कभी किया नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है हमारा खाना बनाना, तो मतलब मज़ा भी आ रहा है साथ में बनाने का, और बाकी ये हेल्प करने के लिए है ही है। बाकी हम लोग वहाँ बहुत चीज़ पहले तो नहीं सीखे थे, लेकिन अब बहुत चीज़ सीख चुके हैं और हम भीम सर के बहुत आभारी हैं, क्योंकि वो हमको बहुत अच्छे अच्छे कराटे सिखाते हैं। और पहले तो हम ये सब नहीं कर पाते थे, लेकिन हम धीरे धीरे ये सब कर पाते हैं। मेरे ऊपर बहुत अच्छी जागरूकता आई है, क्योंकि मैं पहले तो ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। जब से सर जी हम लोग को ये सब बताया है, तब से मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ और हम मैं इस कराटे क्लास से जुड़े हुए रहना चाहती हूँ। यहाँ के बहुत मज़ा आ रही है, मतलब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, कुकिंग सेशन चल रहे हैं, आपस अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग यहाँ खाना बना रहे हैं ना, मतलब हमारे सारे फ्रेंड्स मतलब मिलके यहाँ पर सीनियर सब बना रहे हैं, तो यूनिक है, एक अलग टाइप सा। एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्या है लोग अभी फ़ोन पे बस घुसे रहते हैं और अपने बाहरी फिटनेस को देखते नहीं है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है अभी। तो मैं कहना चाहूँगी बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे, कराटे वगैरह और स्विमिंग जो भी है सब। बच्चे लोग को हम लोग आत्मरक्षा सिखा रहे हैं, जो गवर्नमेंट तरफ से आया है पूरे स्कूलों में, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एटीट्यूड इन लोग को दिखाने के लिए हम लोग लाए हैं कि चलो कि कराटे क्लास कैसे होता है, क्या चीज़ वहाँ पर सिखाया जाता है, कैसे आत्मरक्षा किया जाता है। सर सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद है, पहले हमने एक्टिविटीज़ की बच्चों की, सिंपाई लोगों ने गेम्स कराए, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम हुआ और अब हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं खुद से, और सिंपाई और सारे सिंसाई और सारे सिंपाई टेस्ट करके हमें बताएंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। नहीं सर, हमको बल्कि खुशी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम सब मिलके कर रहे हैं ये काम, तो एक तरीके से मतलब हमारे दुर्ग डोजो का मतलब सारे ग्रुप मिलके जो काम कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रही है उसमें। इसको सीखेंगे तो मतलब कंसंट्रेशन एक तो आपकी बढ़ेगी, आपका पावर बढ़ेगा, एंजॉय करके सीखेंगे सारे गेम तो ज़्यादा सही है। गर्ल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट मानती है? सर ये तो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो हर मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही बहुत ज़रूरी है, और गर्ल्स के लिए तो अति आवश्यक गेम है ये। इस विंटर कैंप के आयोजक सेंसाई गिरी राव ने विंटर कैंप के आयोजन के उद्देश्य को बताते हुए आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर ऐसे कैंप आयोजित करने की बातें कही हैं। आज हम लोग का यहाँ पर एक दिवसीय शीतकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन था, इसमें विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेल गतिविधियाँ, और बच्चों ने खुद अपने से होकर खाना बनाया है, और सुबह 8 बजे से लेकर अभी रात को 8 बजे तक लगातार बच्चे यहीं पर रहे। जो पहला सेशन था वो गेम्स का था, जिसमें विभिन्न गेम्स करवाए गए, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, रंगोली और भी बहुत से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड गेम थे। जो सेकंड सत्र था उसमें पूरे कल्चरल प्रोग्राम थे, ग्रुप डांस, सोलो डांस और सिंगिंग था, इंस्ट्रूमेंटल था। और थर्ड सेशन में भी कुकिंग का था, जिसमें बच्चों ने अलग अलग जो संस्था से आए हुए बच्चे, उन लोगों ने अपना बनाया है। यहाँ पर करीब 250 बच्चे आज एकत्रित हुए हैं विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के, और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है उनमें। पालक भी आज उपस्थित हुए थे, वह भी काफ़ी खुश हैं इस एक्टिविटी से। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन
हमारे सभी सीनियर्स लोग की मदद से आगे भी होते रहे और उसका थोड़ा रूप और भव्य रूप से हम लोग इसको करें। इस आयोजन का उद्देश्य आज का जो पीढ़ी है वो ज़्यादातर मोबाइल में, टीवी में, उसी में व्यस्त रहते हैं और अधिकांश वक्त उन लोग का पढ़ाई में और ट्यूशन में जाता है। अगर उसमें से हम उनका कुछ वक्त अगर ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गतिविधियों के लिए उनको एंगेज करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, मेंटल स्ट्रेंथ उनका बढ़ता है और निश्चित रूप से उन लोग का एक टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। एक दिवसीय विंटर कैंप में विभिन्न आयोजनों के बीच उपस्थित खिलाड़ियों ने भरपूर आनंद उठाया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।